Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our fourth lesson, and already we have completed three pages of this lesson. And in this video we will see how this chapter moves on. So please turn with me to page number 49. आज हम लोग page number 49 para number 10 से देखेंगे कि यहाँ पे आगे इस chapter में क्या होता है. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. तो students, unraveling का meaning क्या होता है? You can see given here, starting to fail. तो Einstein जो है, जब वो physics का most difficult problems को sort out कर रहे थे, जब उसको solve कर रहे थे, उस समय इनका जो private life था, personal जो life था, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं था, वो एकदम disturb हो चुका था. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे. कब? जब इनकी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद. ओके, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, यानी स्टडीज़ खत्म होने के बाद वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो माँ थी, हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, वो इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी, वो इसके खिलाफ थी, वो इसके अगेंस्ट थी. सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. अब माँ का क्या सोचना था? वो ये सोच रही थी कि मिलेवा जो है वो 3 years बड़ी थी किससे? आइंस्टाइन से. वो 3 साल बड़ी थी, तो माँ का ऐसा मानना था कि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एज में. वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए वो काफ़ी एज में ज़्यादा लग रहा था. सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड अबाउट मिलेवा'स इंटेलिजेंस, और माँ इस चीज़ के लिए भी चिंतित थी कि आइंस्टाइन के जैसा मिलेवा भी क्या है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है. तो वो मिलेवा के इंटेलिजेंस को लेकर के भी चिंतित थी, एंड 3 years जो एज ज़्यादा हो गया था उससे के कारण भी ये चिंतित थी. सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और माँ कहती है कि देखो मिलेवा जो है वो तुम्हारी जैसा क्या है, वो इंटेलिजेंट है. तो ये कह करके जो है माँ जो है आइंस्टाइन को समझाने की कोशिश कर रही थी. तो इस कारण से आइंस्टाइन जो है वो वेडिंग को, अभी वेडिंग का जो मन होता है वो अपने दिलो दिमाग से निकाल देते हैं और वो उसको साइड में रख देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं. नाउ वी विल सी इन पैरा नंबर 11 में क्या होता है. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. अब इनका क्या हो जाता है, एट लास्ट में इनकी शादी हो जाती है. जनवरी मंथ में 1903 में इनकी शादी हो जाती है. एंड हैड टू सन्स, एंड इनके पास क्या होते हैं, 2 पुत्र भी होते हैं, 2 सन्स भी होते हैं. बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फैल्टर्ड. लेकिन अब ऐसे रिजल्ट क्या होता है, ये लोग ने तो शादी कर लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद इनका जो रिलेशन था, जो मैरिज था, वो क्या हो जाता है, फैल्टर्ड मीन्स बिकेम वीक, यानी कि वो खत्म होने के कगार पे आ जाता है. मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलेवा जो है वो अपना एम्बिशन, जो उसके मन में दिल और दिमाग में जो एम्बिशन था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो उसका जो एम्बिशन था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, उसको अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. एंड वो जो है एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन करके वो रह गई थी, एंड उसके उसका जो एम्बिशन था वो बिल्कुल ही उसके माइंड से हट गया था, एंड वो एकदम नाखुश रहने लगी थी, एकदम उदास रहने लगी थी. ओके, एंड अनहैप्पी हाउसवाइफ वो हो गई थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. यानी कि बहुत साल के फाइट के बाद, यानी कि कॉन्स्टेंट फाइटिंग के बाद जो है ये जो कपल थे वो फाइनली 1919 में डिवोर्स करने का इन्होंने विचार कर लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर. ओके, तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, 1919 में जब इनका डिवोर्स हो गया तो आइंस्टाइन ने अपने कज़िन एल्सा से उसी साल इन्होंने दूसरी शादी कर ली. नाउ वी विल सी पैरा नंबर 12 में क्या होता है.
Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. तो स्टूडेंट्स coincided का मीनिंग होता है टू हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स. ओके, एक ही समय में घटना, हम जिसको हिंदी में कहते हैं एक ही समय में घटना. तो अब आइंस्टाइन का जो एक नया पर्सनल अध्याय था वो जो है काफ़ी हद तक उनकी जो वर्ल्ड में फेम हो रही थी उसके साथ क्लैश हो रहा था. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. तो हम कह सकते हैं 1915 में उनकी जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो पब्लिश हुई, जिससे जो है ग्रेविटी को एक नई पहचान मिली. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट. अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जो सन का एक्लिप्स है यानी कि सोलर एक्लिप्स जो होता है 1919 में, उससे ये प्रूफ हो गया कि ये एक्यूरेट है यानी कि परफेक्ट है. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टाइन ने बहुत करेक्ट कैलकुलेट किया था बहुत पहले से ही कि कितनी हद तक जो लाइट है वो जो बिल्कुल फिक्स स्टार्स होते हैं उससे डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि उससे डिविएट करती है सन्स के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके थ्रू. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे अब जो न्यूज़पेपर्स में जो है उनके नाम की काफ़ी तारीफ होने लग गई, जैसे कि ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया है. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा. नाउ अभी हम लोग पैरा नंबर 13 में देखते हैं. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए कौन से साल में, 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉन्डेड बाई द प्रेस. यानी कि इन्हें हर जगह से इन्विटेशंस आने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इनको काफ़ी सम्मान मिलने लगा एंड कहे तो इनकी काफ़ी तारीफ होने लगी. ओके, लॉडेड का मीनिंग होता है हाईली प्रेज्ड और एडमायर्ड. तो इनको लोग जो है काफ़ी इनकी तारीफ करने लगे, इनकी प्रशंसा करने लगे एंड इनको वर्ल्ड के अलग अलग होने से जो है इनको इन्विटेशंस जो है वो आने लगे. Now we will see पैरा नंबर 14. अभी हम पैरा नंबर 14 देखेंगे. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब Nazis जो है वो पावर में आ गए जर्मनी में कौन से साल में, 1933 में, तब आइंस्टाइन क्या करते हैं, आइंस्टाइन emigrated to the United States. आइंस्टाइन जो है वो United States में चले आते हैं. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर. अब 5 साल के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी होती है बर्लिन में, तब जो है अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो एकदम से चढ़ जाते हैं. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड. और बहुत सारे लोग जो है वहाँ से छोड़ करके चले आए थे, जैसे आइंस्टाइन ने वहाँ से आया था वैसे ही बहुत सारे लोग वहाँ से भाग करके आ जाते हैं. एंड नाउ दे वेर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब. अब ये लोग जो है वो काफ़ी डरे हुए थे कि नाजीज जो है वो कहीं एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले और कहीं उनके ऊपर ये यूज़ ना कर ले. इस बात से जो है वो लोग काफ़ी डरे हुए थे. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न विथ मी टू पेज नंबर 50. अभी हम लोग पेज नंबर 50 में देखेंगे आगे ये चैप्टर कैसे मूव होता है. एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939. तो इनके जो कुछ कलीग्स थे जो इनके साथ काम करते थे उन्होंने काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट किया, इनसे अर्ज किया. तो उनके कहने पे
आइंस्टाइन जो है वो एक खत लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, किसके पास? अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कितने तारीख को लिखते हैं? 2 अगस्त 1939। उस लेटर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉर्न किया यानी कि चेतावनी दी, इन विच ही वॉर्न ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो उन्होंने उस लेटर में वॉर्न किया था कि एक जो सिंगल बॉम्ब है इस टाइप का एक्सप्लोडेड ऑन ए पोर्ट, अगर वो एक पोर्ट पे अगर एक्सप्लोड हो जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, पूरा जो पोर्ट है वो उससे डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऑल्सो उन्होंने क्या बोला, विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, केवल पोर्ट नहीं उसके जो आसपास में जो टेरिटरी है यानी कि जो जगह है वो सभी जगह जो है उससे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको पता होगा पोर्ट क्या होता है, ओके, एन एरिया वेयर शिप्स स्टॉप्स टू लेट गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन एंड ऑफ, मतलब वह स्थान जहाँ जहाज सवारियों को या माल को उतारने चढ़ाने के लिए खड़े करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पोर्ट तो नष्ट होगा ही, उसके साथ साथ उसके आसपास के जितने टेरिटरी हैं वो भी उससे उसके साथ वो खत्म हो जाएगा। His words did not fail to have an effect, यानी कि उनका वर्ड जो है वो लोगों ने उसको सीरियस लिया, मतलब व्यर्थ नहीं गई। द Americans developed द atomic bomb इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ their ओन, और अमेरिकन जो है वो क्या किए, एकदम सीक्रेटली जो है अपने प्रोजेक्ट में उन्होंने बॉम्ब को, अटोमिक बॉम्ब को तैयार किया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उस अटोमिक बॉम्ब को उन्होंने जो जापान सिटी है हिरोशिमा और नागासाकी में वहाँ पे लोगों ने ड्रॉप कर दिया, कब, 1945 अगस्त 1945 में ये जो अटोमिक बॉम्ब है वो ड्रॉप कर दिया गया। Now we will see para number 16. अभी हम लोग para number 16 को देखेंगे। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. यानी आइंस्टाइन जो थे वो बिल्कुल शेक हो गए थे, बिल्कुल अंदर से हिल गए थे इस खतरनाक डिस्ट्रक्शन को देख करके। This time he wrote a public massive to the United Nations. तो स्टूडेंट्स massive means क्या होता है, you can see meaning given here. लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, जब हम कोई भी एक लंबा ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसको मैसिव कहा जाता है। तो इस बार इन्होंने एक लंबी लेटर लिखी, ही रोट ए पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन को, इन्होंने एक लंबा सा ऑफिशियल खत लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट, तो उस लेटर में इन्होंने प्रपोज किया कि हमें क्या बनाना चाहिए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहिए। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट This time made no impact. तो जिस तरह इन्होंने पहले लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, और जो है इनके लेटर को ध्यान में रखा गया, लेकिन इस बार जो है इनका जो लेटर है वो बिल्कुल इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई टर्न अप नहीं हुआ, हैड नो इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन उसके कुछ डिकेड्स के बाद, कुछ सालों के बाद आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में जो है और ज़्यादा उनका जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेगन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, अब वो क्या कर रहे थे, जो आर्म्स बिल्डअप हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे, उसको ख़त्म करने का विरोध कर रहे थे, साथ ही साथ उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, मेन क्या कर रहे थे, वो जो कैंपेगन कर रहे थे पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि शांति और लोकतंत्र का कैंपेगन चला रहे थे। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन as much as a scientific genius. तो students इनका जो देहांत होता है, इनकी जो death होती है वो 1955 में होती है, and उस समय इनकी जो age थी वो 76 years हो गए थे उस समय। He was celebrated as a visionary and उनको कैसे देखा जाता है, उनको एक
दूरदर्शी के जैसे उनको देखा जाता है। एंड वो जो थे इस वर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े बहुत ही महान सिटीज़न थे, एंड उसके साथ साथ ये एक साइंटिफिक जीनियस भी थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि ये एक बहुत बड़े साइंटिफिक जीनियस थे, एंड उसके साथ साथ ये एक वर्ल्ड का बहुत ही एक अच्छा सिटीज़न थे, एक बहुत ही अच्छे नागरिक थे, एंड उसके साथ साथ क्या थे, ये एक दूरदर्शी भी थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इट इज़ कम्प्लीटेड टिल हियर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।